हेलो दोस्तों, मैं मोहित पारीक और आपके अपने चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि इस बार ये वीडियो बहुत गैप के बाद आया है, काफ़ी टाइम के बाद आया है। इसका कारण दोस्तों मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और फ़ोन वगैरह और नया परचेज किया था, तो इस बार आपको क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो दोस्तों यही कारण था। और अब आपके बीच रोज़ाना नए वीडियो आएंगे और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है, इसमें मैं आपको बजरी तोतों की प्रोग्रेस दिखाऊँगा, कॉलोनी की प्रोग्रेस। इस बार हर बार की जैसी प्रोग्रेस तो नहीं है, बाकी मादियाँ अंडों पे बैठी है, वो बच्चे वगैरह निकालेगी। दोस्तों, इस बार बच्चे भी काफ़ी मरे थे यहाँ, मेरे यहाँ 30-35 बच्चे मर गए थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो टेम्परेचर है उनमें बार बार बदलाव होता है, जैसे कभी तेज़ धूप तो कभी रात को ओस वगैरह गिरना और ज़्यादा ठंड। तो मेरे यहाँ क्या बहुत भाइयों के यहाँ इस बार बच्चे वगैरह मरे, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका कारण ये टेम्परेचर ठंड वगैरह था, तो होता है बहुत बार। बाकी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी, तो बाकी प्रोग्रेस देखिए आप, चलते हैं प्रोग्रेस की तरफ। तो दोस्तों, पहले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेस देखना। तो इस बॉक्स को मैं नीचे उतारता हूँ और उसके बाद देखते हैं इसकी प्रोग्रेस। इस पे मादी बैठी है अंडों पे, और अब दूसरे बॉक्स की तरफ देखते हैं। तो इस बॉक्स में दोस्तों 6 बच्चे थे, बाकी के बाहर आ गए, अभी 2 बच्चे बचे हैं और इन बच्चों को नर फीड करवा रहा है, क्योंकि इनकी मादा को सेपरेट अलग किया हुआ है क्योंकि वो बीमार थी। और इसमें देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं, इसकी ये मादा अंडों पे बैठी है, इसके देखते हैं कितने अंडे हैं, कलर बहुत अच्छा है। पांच अंडे हैं दोस्तों इसके, 5 अंडों पे बैठी है। अब इस बॉक्स में देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में दोस्तों ये मादी बैठी है अंडों पे, तो हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं अगले बॉक्स की तरफ। तो दोस्तों, इस बॉक्स से बच्चे बाहर आ चुके हैं, पहले बच्चे थे इसमें, 4 बच्चे थे, वो बाहर आ चुके हैं। अब अगले बॉक्स में देखते हैं, इसमें दोस्तों अभी तो कुछ नहीं है, और इसे अगले 5 नंबर में देखते हैं। तो दोस्तों, 5 नंबर बॉक्स में देखते हैं, इसमें 3 बच्चे हैं, इसका एक बच्चा बाहर आ चुका है, 7 का बच्चा, और ये भी 3-4 दिनों में बाहर आने वाले। अब इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। तो इस बॉक्स में एक अंडा है और ये मादी अंडे दे रही है, अभी और देगी। अब इसे अगले वाले बॉक्स में देखते हैं, इस बॉक्स में भी कुछ नहीं है, 4 नंबर में। अब 2 नंबर बॉक्स में देखते हैं, 2 नंबर बॉक्स में क्या है। तो इसमें ये मादी बैठी है अंडों पे, ये मादी अंडों पे बैठी है, देखते हैं इसके कितने अंडे हैं। इसके 6 अंडे हैं दोस्तों। अब इस बॉक्स में देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। दोस्तों, इस बॉक्स में 5 अंडे हैं, और मैंने इस बॉक्स में वुड सेविंग वगैरह डालनी भूल गया था, तो ये अंडे इधर उधर ना हो इसलिए हम थोड़ा बाहर से कचरा इसमें के अंदर डाल देते हैं, ये कंगनी वगैरह का कचरा है थोड़ा, तो अंडे वगैरह इधर उधर ना हो,
बाद में मैं वुड शेविंग डाल दूंगा। तो एक बार यही डाल देता हूँ। बाकी मैंने सारे बॉक्सों में वुड शेविंग डाली थी तो अब हो जाएगा काम। वुड शेविंग डाल दूंगा मैं बाद में। अब इस बॉक्स में देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, इसमें भी 5 एग है और ये मादा अंडों पे बैठी है। ये एक इधर, एक एक इधर है, 6 एग है दोस्तों, ये 6 एग है इसमें। इन एक को हम सही कर देंगे दोस्तों। बहुत सी मादाओं ने बुरादा आधा बाहर फेंक दिया था, जो बड़ा बुरादा होता है। तो अब इसके पास वाले बॉक्स में देखते हैं क्या है। दोस्तों ये मादा भी अंडों पे बैठी है, मेरे को सही दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे खड़ा हूँ। अब दोस्तों मैं वही बॉक्स आपको दिखाऊंगा जिनमें अंडे बच्चे हैं। 2-4 जो बॉक्स है इनमें अंडे बच्चे नहीं है, तो मादे वगैरह अंडे बच्चे देगी अंदर और जा रही है। तो अब उस आगे वाले बॉक्स में दिखाता हूँ क्या है, उसको उतार के दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें 2 बच्चे हैं और मादी बैठी है अंदर। ये देखिए 2 बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी हेल्थी हैं, पल चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इन 3 हांडियों में बता देता हूँ, उधर के बॉक्स से उधर जाकर बताऊँगा। तो इस हांडी में देखते हैं, इस हांडी में दोस्तों 3 अंडे हैं और ये मादी अंडे वगैरह दे रही है, वाइट मादी है। और इसमें दोस्तों 2 बच्चे हैं, ये देखिए 2 बच्चे हैं इस हांडी में दोस्तों। और इस हांडी में देखते हैं, इसमें दोस्तों रेडाई की मादा है, वाइट रेडाई की मादा है। और इसमें 3 बच्चे हैं और ये बच्चे भी काफ़ी पल चुके थे। अब दोस्तों इस बॉक्स में देखते हैं क्या है। दोस्तों ये मादा भी अंडों पे बैठी है, देखते हैं इसके कितने अंडे हैं। दोस्तों इसके 4 अंडे हैं और ये अंडों पे बैठ भी रही है, तो इसे वापस रख देते हैं। अब दोस्तों इस आगे के बॉक्स को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी मादा बैठी है अंडों पे। ये देखिए दोस्तों, ये मादा अंडों पे बैठी है। तो दोस्तों ये थी प्रोग्रेस। इस बार मौसम बहुत ख़राब था, बच्चे बहुत मरे हैं, तो कुछ मादियों ने दोबारा अंडे भी दिए हैं और इस बार मेरी कॉलोनी भी कुछ डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब पेड़ वगैरह और लेके आऊँगा, इसके अंदर डालूँगा। इसका रीज़न बता देता हूँ दोस्तों, एक तो मौसम का था कि मौसम में इतना बदलाव, और दूसरा कि बहुत मादियाँ बीमार भी हो गई। 3-4 मादियाँ थी मेरी पुरानी मादियाँ, वो बीमार हो गई और कुछ नई मादियाँ भी। तो ऐसे करके अभी मादियाँ वगैरह भी काफ़ी कम है, तो मैं और इकट्ठा करूँगा मादियों को और आगे भी आपको इसी तरह बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। और काफ़ी टाइम से अभी वीडियो वगैरह नहीं आ रहे थे, तो इसका कारण मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा। अब आगे सुधार करूंगा कॉलोनी में। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो तक की इजाज़त देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और उसके पास में बेल आइकन को दबा दे। तो धन्यवाद दोस्तों।